नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर महेश सजनानी जी, जिनका अपना खुद का इंटीरियर प्रोडक्ट फर्म है। तो जी हाँ, ये इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि जितने भी ब्यूटीफुल हाउसेज होते हैं या जितने भी ब्यूटीफुल वेन्यू होते हैं जहाँ पे इंटीरियर होता है, वो एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट वहाँ पे कैसे यूज़ किए जाते हैं, साथ ही के अंदर किस तरीके से डीलिंग होती है और इसमें बिजनेस होता है। तो ये सारी डिटेल्स आज सर से हम जानने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू ये होने वाला है। वेलकम है सर, सबसे पहले आपका। थैंक यू। सर, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, लाइक कितने टाइम से आप अपना इंटीरियर प्रोडक्ट फर्म रन कर रहे हैं? हमारा इंटीरियर प्रोडक्ट फर्म जो है पिछले 5 साल से हमारा रिटेल शोरूम है अजमेर में। ओके। एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम डील करते हैं। ओके। एंड इवन एक और चीज़ बोल दूँ कि ये सब चीज़ों के हम इम्पोर्टर हैं। इम्पोर्टर, यस। सो वी डू होलसेल एज वेल। होलसेल भी आप? यस। ओके ओके, ठीक है। रिटेल और होलसेल दोनों का अपना काम है, और 5 इयर्स आपको हो चुके हैं? हाँ जी, ऑलमोस्ट 5 इयर्स। ओके, तो सर इसकी स्टार्टिंग आपने कैसे करी, लाइक कैसे सोचा कि इसको एज अ बिजनेस आपको ऑफर करना? इसकी स्टार्टिंग अगर आपको बताऊं तो काफी इंटरेस्टेड स्टार्टिंग रहेगी। ओके। आज से 4-5 साल पहले मैं खुद अपने घर के लिए इंटीरियर प्रोडक्ट ढूंढ रहा था। ओके। तो वो ढूंढते मैंने, मुझे लगा कि नहीं, अजमेर में ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, कॉस्टली है, और मैंने फिर इसके बारे में बहुत सर्वे किया। सर्वे करने के बाद मैंने एक बहुत छोटे से लेवल से ये स्टार्ट किया, और मुझे देखा जाए तो अजमेर में इतना अच्छा रिस्पांस मिला, और 5 साल पहले याद करते हैं कि हमने मतलब सोचा भी नहीं था उतना अच्छा रिस्पांस मिला। ओके। तो ये स्टार्टिंग मतलब समझो मेरे घर से ही हुई है। ओके। लेकिन आप खुद के लिए फाइंड आउट कर रहे थे? हाँ, और फिर आपको इतना अच्छा लगा कि इसको बिजनेस ही? हाँ, अच्छा लगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आज से 4-5 साल पहले वॉलपेपर अगर जो कोई क्लाइंट लेने जाता था तो क्लाइंट को मतलब इतनी कॉस्टिंग लगती थी, क्लाइंट बोलते थे नहीं हम कलर में ही ओके हैं। राइट। बट हम उस चीज को बहुत ही मतलब एक बजट इफेक्टिव रेट निकाल के अजमेर शहर में लाए, तो मतलब काफी अच्छा रिस्पांस मिला। काफी अच्छा था। हाँ जी। तो बेसिकली जैसे कि इंटीरियर प्रोडक्ट्स, यस, तो इसमें क्या-क्या चीजें एक तो कवर होती है इंटीरियर प्रोडक्ट्स में? मैं बता दूं कि हमारी स्टार्टिंग जो जहाँ से हुई थी वॉल डेकोर। Okay. वॉल डेकोर में हम बात करें तो सबसे पहले वॉलपेपर। अब वॉलपेपर के बाद काफी सारी चीजें आती है, चारकोल पैनल्स हो गए। Okay. इवन हम जैसे पेंट वगैरह का भी काम। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम पूरा जो वर्क रहता है ना वो ले लेते हैं। अगर आपका समझो कोई एक बिल्डिंग आपने बना ली है और आपके पास 3D डिजाइन है आपके हाथ में, तो पूरा वर्क जो है हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। आप अपने लेवल पे उसमें अपन बताएं कि आपको फर्नीचर वर्क हो गया, पेंट वर्क हो गया, फॉल सीलिंग वर्क हो गया, वॉल डेकोर हो गया, फ्लोरिंग हो गई, एवरीथिंग विल बी डन बाय अवर टीम। ओके। व्हिच इज फिक्स्ड टीम ना, मतलब अभी मैं आपको बता दूं कि अजमेर शहर में ऐसा है कि सबके पास फ्रीलांसर है। लाइक किसी को वॉलपेपर लगाना है तो वॉलपेपर आपने किसी स्टोर से आपने लिया है, देन दे विल फाइंड, दे विल लुक फॉर अ फ्रीलांसर कि किसको लगाने भेजें। राइट। तो हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं है। आप फर्नीचर की ले या वॉल डेकोर की ले या फ्लोरिंग की ले, हर तरह की जो चीज लेबर है वो फिक्स परमानेंट लेबर है। यस। और उसकी वजह से क्लाइंट को एक फायदा होता है कि उनको सर्विस मिल जाती है। देखिए क्या होता है कि काम हर कोई कर लेता है। राइट। काम करने में कोई इशू नहीं है। काम करने के बाद जब अभी कोई क्लाइंट समझिए हमने कोई एक घर इंटीरियर किया, लाइक हमने आपका ऑफिस इंटीरियर किया। Right. तो उसमें काफी सारी ऐसी चीजें होती है कि 7-8 दिन में आपको लगता है कि नहीं इसमें ये भी थोड़ा डैमेज है, थोड़ा ब्लाइंड हमने लगाया तो ये चल नहीं रहा है, तो वो जो सर्विस होती है ना वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं प्रॉपरली। Right. हमारे पास उस तरह का कोई इशू नहीं है। वो इशू नहीं है आपके पास में? तो वॉलपेपर्स आपका मेन बेस प्रोडक्ट? हाँ, बेस प्रोडक्ट है। और उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वॉल डेकोर के वो सब कुछ मिलेगा। क्या क्या जैसे प्रोडक्ट्स और होते हैं? देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, वॉलपेपर तो आपको मैंने जैसे बताई है, उसके बाद वॉल डेकोर की बात करें तो फॉर्म शीट्स आती हैं। कई बार अजमेर में यूट्यूब पे सर्च करते हैं क्लाइंट्स। Right. तो आपने कई बार चाइना के वो वीडियो देखे होंगे कि वो हम ना एक फॉर्म शीट आती है, हम प्लास्टर के ऊपर ही लगा देते हैं। Right. तो वो चीज़ें भी रेडी स्टॉक है। उसके बाद बात करें तो आपका चारकोल पैनल्स वगैरह होते हैं वॉल डेकोर में, मतलब वॉल डेकोर में जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सब चीज़ें हमारे पास रेडी स्टॉक है। यस। उसके बाद अगर जो फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग के बाद जो एक तो होता है कि हमने एक सैनिटरी लगा दी है, तो सैनिटरी में उस चीज़ों की नीड नहीं रहती है। बट अभी क्या होता है कि क्लाइंट को चाहिए कि 4-बेडरूम हॉल है
तो फोर बेडरूम में रूम्स जो हैं चार चारों के अलग अलग कलर की फ्लोरिंग होनी चाहिए। तो उसमें क्या यूज करते हैं, एक तो पीवीसी प्लैंक्स आते हैं, उसके बाद आता है वुडन फ्लोरिंग, उसके बाद आता है एसपीसी फ्लोरिंग। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल रहती है, सारी अवेलेबल। हाँ जी, आपके पास में। ओके, तो सर लाइक अभी इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर की राइट नाउ कितनी डिमांड है आप समझाना चाहेंगे? डिमांड की बात करूं तो मुझसे ज्यादा तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। आज की तारीख में एक सबसे ज्यादा डिमांड इसी चीज की है। आजकल छोटा सा छोटा कोई घर बनाना चाहता है तो फिर घर बनने के बाद वो चाहता है कि सारी चीजें व्यवस्थित रहें, एक हम 3D बनवाएं और उसमें वॉल डेकोर भी करें, उसमें सीलिंग भी अच्छी हो। मतलब अभी एट प्रेजेंट में मैं मानूं तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना इसी चीज को ही दिया गया जा रहा है। हाँ जी, मतलब लोग बाग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं फॉर नाउ। पहले मुझे पता नहीं था बट अभी, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी यही बात बोली कि कॉस्ट इफेक्टिव, राइट, तो ये बहुत बड़ा अक्षर है। अगर मैं आपको आप ही की चीजों में आपके बजट में एक 3D प्रोवाइड करा रहा हूँ और वो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। राइट, आपको लगेगा नहीं हमारा बजट है, हमारे बजट में पूरा हो रहा है काम, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है। राइट, सबसे बड़ा पॉइंट है बजट। और बजट की बात करें तो हमारे पास हर तरह के, हर बजट में हर तरह की चीजें हैं। अब क्लाइंट, मैं कॉस्टिंग की बात करूं, क्लाइंट आते हैं हमारे पास भी वॉलपेपर, हमें तो ना मार्केट में बहुत कम रेट मिल रहे हैं या ऐसा है या वैसा है। वॉलपेपर की बात करूं तो वॉलपेपर एक 50 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, एक सिंगल रोल आता है। उस रोल की कॉस्टिंग की बात करूं तो 300 रुपए से स्टार्ट है और मेरे पास जो एट प्रेजेंट में स्टॉक है 6000 रुपए तक का रोल है। अगर आप अभी देखिए वेरिएंट कितना हो गया कि 300 से लेके 6000 रुपीस, तो इसमें कई सारी क्वालिटी बजट है कि नॉर्मली भी कोई इंसान ले सकता है। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट, ओके, कि बजट का कोई इशू नहीं है। अभी क्लाइंट को चाहिए कि नहीं मुझे तो वॉलपेपर, सब डिजर्व करते हैं कि उनका घर ब्यूटीफुल लगे, बस वही चीज हम यहाँ ले आए हैं। फाइन, इसका सर कोई भी हम जैसे बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस ऑप्ट करते हैं, डेफिनेटली आपने भी पॉइंट बताया है कि बिजनेस आपने इसीलिए ऑप्ट किया था क्योंकि आपको लगा कि ये चलेगा और फिर रिस्पॉन्ड मिला इसमें। तो इसी फील्ड में हम जानना चाहते हैं कि इंटीरियर का जो आने वाला भविष्य है या फ्यूचर है ये कितना ब्राइट होने वाला है। सुपर्ब रहेगा। अगर मैं तो इनमें से चाहूंगा कि किसी को ऐसा कुछ स्टार्टअप करना हो तो वो चीजें हम उनको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपके शहर में क्या, कैसे स्टार्टअप होना है, कितना बजट है, कैसे क्या है। बाकी तो देखिए कि अभी की तारीख में तो मैंने काफी सारे बिजनेस किए हैं और हर तरह का बिजनेस करने के बाद जब मैं इस बिजनेस में आया हूँ पिछले 5 साल से तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस बिजनेस से। एंड सेकंड थिंग इज दैट इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपने बिजनेस के प्रति कितना लॉयल हैं। राइट, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहें, मैं इस बारे में इंटीरियर के बारे में नहीं बोलूंगा, आप कोई भी बिजनेस करना चाहें इफ़ यू आर लॉयल विथ योर बिजनेस तो सब चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ें। यस, ये थोड़ा बिजनेस मैं आपको बता दूं अच्छा इसीलिए कि ये इंटरेस्टेड बिजनेस है। लाइक एक तो होता है कि हमने ना एक गारमेंट स्टोर खोला है तो गारमेंट स्टोर में तो आपके पास सर्टन चीज़ें हैं, क्लाइंट आना है आपको खोल के दिखाना है और इफ दे आर बाइंग सो ओके, अदरवाइज। इसमें क्या चीज़ होती है कि आपके पास क्लाइंट आया है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमने और बहुत सारी वैरायटीज होती है तो एक इंटरेस्ट के साथ हम एक तो इनकम भी जनरेट हो रही है और इंटरेस्ट मज़ा भी आता है क्लाइंट को। हाँ, तो बस यही चीज़ें हैं कि इस बिजनेस में इनकम तो है ही है और साथ ही साथ इंटरेस्टेड भी है। इंटरेस्टेड बिजनेस। यस, एक क्रिएटिविटी बिजनेस भी, क्रिएटिविटी बिजनेस बोल सकते हैं कि किसी का घर सजाना है, हमें खुद को अच्छा लगता है, हम अपना माइंड सारा दिन चलाते हैं कि नहीं इसमें ये लगाना चाहिए, इसमें ये लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि क्लाइंट का घर अच्छा लगे ना पहले हम चाहते हैं। राइट, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमने 2 प्रोजेक्ट अच्छे किए हैं तो वो 2 जो प्रोजेक्ट अच्छे किए हैं ना वो मल्टीपल अपने आप होंगे। राइट, इफ योर वर्क इज गुड। इवन जो मैंने बजट की बात करी, अगर एक वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और अच्छा भी रहता है तो फिर आपको कोई किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। माउथ पब्लिसिटी, मतलब आपने अच्छा काम किया है, चार जने आएंगे, देखिए क्या होता है घर में अगर जब हमने किसी का काम किया है तो बट नेचुरल है वहाँ पे उनके रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो एक बार पूछते जरूर हैं कि किसने किया है, किसने किया है। और अगर वो उनके बजट में है और जब उनको करवाना होगा तो दे विल कॉन्टेक्ट यू डेफिनेटली। यस, ओके, लाइक आपने बताया कि आपने 5 ईयर्स बैक स्टार्ट किया तो ये पूरा एक्सपीरियंस आपने कहाँ से कलेक्ट किया काम करते करते?
बिल्कुल नया मैं एक्चुअली मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव है और मैं जिस चीज़ में जाता हूँ मैं मतलब एक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आपने तारीफ कर रहा है वो चीज़ नहीं है। मैंने मेरे लाइफ में जितने भी बिजनेस किए हैं तो वो मैं सिर्फ एक मतलब इंटरेस्ट के साथ करता हूँ। राइट, कि एक फोकस वहीं रहता है कि नहीं अब हमें इसी के बारे में सब कुछ जानकारी चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, देखिए आप जो बिजनेस कर रहे हैं अगर आपको ही उसकी जानकारी नहीं रहेगी और इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप क्लाइंट को क्या जवाब देंगे। राइट, किसी भी चीज़ के बारे में अपने को पता नहीं है, हमारे हमें हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो क्लाइंट को कैसे रिप्लाई देंगे। राइट, तो मैंने सब चीज़ें मतलब अपना बहुत फोकस इस पर लगाया। तो कहीं से सीखा आपने? नथिंग, आपने नहीं सीखा? नहीं, सिर्फ आपने स्टॉक लिया और अपना सेटअप कर दिया। बहुत छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था और आज की तारीख में अगर जब आप स्टोर देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट स्टोर इन अजमेर। ओके, तो मतलब उसके लिए आपने कहीं से सीखा नहीं, बस छोटे से लेवल से शुरू छोटे किया? से लेवल से शुरू किया। और बाकी देखिए आजकल क्या होता है कि आधी जानकारी तो गूगल दे देता है। राइट, तो आपको किसी भी चीज के बारे में डिजाइन तो की बात अपना गूगल को बोल, यस, बोल सकते हैं आजकल। देखिए यही चीजें हैं, अगर कोई अच्छे से उस अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करता है और कुछ चीजें ढूंढता है तो डेफिनेटली वहाँ सब कुछ मिलता है। बीच में ये आपने जब स्टार्ट किया इसके दौरान कभी फेलियर नहीं मिले आपको बीच बीच में कि लाइक ये काम हुआ नहीं, मैंने किसी से सीखा नहीं तो इसमें मेरी? नहीं, मैंने अगर मिले भी तो इग्नोर किया उस चीज को। अगर हम फेलियर को माइंड में रखेंगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे कभी हुआ नहीं है ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था तो हमने उस समय तक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लिया था जब तक हमें आइडिया नहीं था। ओके, क्योंकि एक तो होता है कि हमें आइडिया नहीं है, हमने प्रोजेक्ट ले लिया और वो फेलियर कहलाता है। तो हमने जब तक हमारी कैपेसिटी नहीं थी तब तक कोई बड़े बजट, तब आपने रिटेल में डील किया? रिटेल में डील किया। इवन अभी आपको जब आइडिया हुआ तो आपने प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट किया? क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज होती है अगर आप उसमें कुछ भी समझेंगे, आपने एक 3-bedroom हॉल का प्रोजेक्ट पूरा किया है, अब उसमें क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है और वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो फिर यू आर फिनिश्ड। तो बेटर ये है कि हम पूरा एक्सपीरियंस लेके और हाँ, और सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताई कि परमानेंट लेबर, ये सब चीजें पहले मैंने अरेंज करी। तो स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे तो आपको लेबर की नीड नहीं? नहीं, स्टार्टिंग तो मुझे कुछ भी चीज की जरूरत नहीं थी, मैं भी फ्रीलांसर यूज करता था। ओके, हाँ, तो लाइक प्रोडक्ट रखना और उसको इंस्टॉल करवाना दोनों ही काम हम करते हैं। और शुरुआती तौर पे भी दोनों ही काम करते थे, क्योंकि क्या है शुरुआत हमने की वॉलपेपर से, तो वॉलपेपर एक ऐसी चीज है अगर कस्टमर लेने आ रहा है तो उसको इंस्टॉलर तो चाहिए ही चाहिए। राइट, अदरवाइज वॉलपेपर की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो चीजें हमने स्टार्टिंग जो है 2 से 3 महीने तक हमने फ्रीलांसर यूज किए, उन्हीं फ्रीलांसर को हमने परमानेंट कर दिया। क्योंकि देखिए क्या होता है, काम आपके पास है तो फिर वो आपको नीड ही नहीं है, आपके जो लेबर हैं उन्हें चाहिए काम। परमानेंट लेबर का मतलब ये रहता है कि लोग परमानेंट लेबर इसीलिए नहीं रखते हैं कि काम चाहिए, डेली काम चाहिए, तो फिर वो उतना काम जो है हमारे पास है। बट इनिशियल लेवल पे अपन ये पॉइंट मान सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे हम फ्रीलांसर ही अगर करें तो बेटर रहेगा। जो कोई मानते हैं कि हमारी कोई ऑडियंस है, उन्होंने अपना स्टार्ट किया है, हाँ, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि फ्रीलांसर हाँ, बिकॉज क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि लेबर को चाहिए वर्क, अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो आपके जेब से जाना है पैसा। डेफिनेटली, एक बार आपका फ्लो बैठ जाता है फिर आप परमानेंट परमानेंटली जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका जो आप बता रहे हैं स्टॉक्स है या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका डीलर, बेस्ट डीलर हमें कहाँ से मिलेगा? लाइक हमें वॉलपेपर्स में जाना है या चारकोल वॉल्स आपने बताया? देखिए बेस्ट डीलर की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट तो जो है वो मैं खुद इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, कुछ प्रोडक्ट है तो मतलब बेस्ट डीलर मुझे बोल सकते हैं। ओके, और कुछ जो प्रोडक्ट है लाइक जैसे हम चारकोल शीट्स वगैरह रहती हैं तो वो काफी सारे इम्पोर्टर्स हैं। लाइक जैसे हम वॉलपेपर इम्पोर्ट करते हैं तो काफी इम्पोर्टर हमारे मिलने वाले हैं जो चारकोल इम्पोर्ट कर रहे हैं, कोई कर्टन्स इंपोर्ट कर रहा है, कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। हाँ, कर सकते, हाँ हम करते हैं उस चीज़ का होलसेल भी। हाँ जी, होल वॉलपेपर का तो हम खुद, मैंने जैसे बताया कि इंपोर्टर है, हमारे खुद के 3-4 कैटलॉग हैं जो हमने खुद ने लॉन्च किए हैं। और इस बीच में मैं आपको बात बताऊँ की वॉल कवरिंग में जो है एक सबसे बेस्ट ब्रांड रहती है एक्सल, तो एक्सल के हम राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो एक्सल में किसी भी बुक का किसी भी क्लाइंट को कोई सा भी प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे पास रेडी मिलता है। ओके, तो इसमें आप डील करते हैं बेसिकली। ओके, अब सर हम बात करते हैं थोड़ा लाइक अपना सेटअप करने पे, कोई भी ये काम स्टार्ट करना चाहता है तो किस किस तरीके से स्टार्ट करेगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी उनको परमानेंट किसी ऑफिस की या किसी शॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी? शॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि क्या होता है कि एक स्टोर पे प्रोडक्ट डिस्प्ले जब तक नहीं रहता है, क्योंकि वॉलपेपर्स हम पीडीएफ में, कई बार क्लाइंट बोलते हैं हमें पीडीएफ भेज दो, तो पीडीएफ तो भेज देते हैं, और फोटोग्राफ्स और एक आप लाइव प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो उसके
उसके लिए मैं बोलूँगा कि छोटा सा एक स्टोर हो, ये काम अगर से कोई किसी कोई घर से करना चाहे तो वो भी कर सकता है, घर से भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसमें है ना शोरूम और आपके फेस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें है आपके काम की ज़रूरत। राइट, अगर आपने दो प्रोजेक्ट, मैंने पहले भी बताया कि आपको आपने दो प्रोजेक्ट, इवन आपने छोटा सा वॉलपेपर वर्क अगर जो आपने अच्छी तरीके से उसको फिनिश किया है, राइट, तो वो क्लाइंट मल्टीपल बाय डिफॉल्ट होंगे। और अगर जो कोई भी चीज गलत हुई है तो फिर आजकल आपको पता है कि क्लाइंट जो है ना, अच्छा दूसरी चीज बताऊंगी, अभी क्लाइंट को क्या है, सर्विस की जरूरत है, पैसों की वैल्यू नहीं है। अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल ये वॉल डेकोर मैंने आपकी की है और इसमें कोई डिफेक्ट हो गया या 7-8 दिन में कुछ हो रहा है और मैंने सर्विस नहीं दी तो वी आर फिनिश्ड, क्योंकि सर्विस इज मस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हर कोई दे देगा। राइट, उसके बाद अच्छा दूसरी चीज बताऊं कि हम जो है वॉलपेपर में 5 years की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं, विच इज वेरी बिग टाइम। 5 साल अगर एक छोटे से पेपर की हम 5 साल सर्विस दे रहे हैं तो क्लाइंट को मतलब सोचने की कहीं जरूरत ही नहीं है। राइट, मुझसे पहले क्या होता था अजमेर में कॉस्ट की वजह से क्लाइंट एक सिंगल वॉल प्रेफर करते थे कि हम एक वॉल पेपर हाईलाइटर यूज कर लेंगे एंड द रिमेनिंग वॉल्स विल बी पेंटेड बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग। तो अभी मेरे स्टोर पे काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको अगर जो पेंटर को नहीं बुलाना हो, दिवाली है तो दिवाली में क्या होता है कि पेंटर को रखा, यानी आप क्या है महीना भर बहुत परेशान रहते हैं कि फर्नीचर इधर करना है उधर करना है और फिर आपका ना पेंट के जो डॉट्स रहते हैं वो आपको शायद दिवाली के बाद तक सफाई चलती रहती है। तो हमारे पास अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आपने एक वॉल पेपर, एक वॉल जो है हाईलाइटर यूज कर लिया एंड द रिमेनिंग वॉल विल बी प्लेन पेपर, तो आपको फिर पेंटर की नीड नहीं है, उसकी नीड नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग। हाँ जी, पेंट हम रेगुलरली, देखिए लॉन्ग लास्टिंग मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, ओके, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। और हम तो वैसे भी साल में नहीं तो 2 साल में एक बार तो पेंट करवाते हैं। ओके, हम हमेशा जो अपना इंडिया में जैसे कल्चर है कि दिवाली आई है तो हमें सफाई करनी है और पेंट करवाना, पेंट करवाना, तो साल में नहीं तो 2 साल में, मैं तो 5 साल की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता हूँ, तो उसमें फिर क्लाइंट को कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर जो 3-bedroom हॉल है और आपने किसी पेंट वाले को बुला के आपने उसको प्रोजेक्ट दिया है कि हमें ये पेंट करके देना है तो दे विल टेक एटलीस्ट 1 month। ओके, एंड मैं जो हूँ, मेरी कंपनी, मेरे जो टीम है वो सिर्फ 2 दिन में उस काम को निपटा देती है। ओके, तो एक सबसे बड़ा जो रीजन है ना क्लाइंट को जो डाइवर्ट होने का जो रीजन है ना वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2 दिन में आपने अपना घर सजा लिया है। अगर आपको दिवाली के 7 दिन पहले भी प्लानिंग कर रहे हैं ना कि नहीं हमें तो हमारा घर नया चाहिए तो वी कैन डू दैट। ओके, मतलब 10 दिन पहले भी हमने अगर डिसीजन लिया है तो उसको हम फटाफट कर सकते हैं। ओके, अब सर हम वापस आते हैं कि लाइक एक शॉप की रिक्वायरमेंट हमको होती है, यानी कि स्पेस की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हम आउट उसको उसका एटलीस्ट डिस्प्ले कर सके उन प्रोडक्ट्स का। हाँ। ओके, तो ये काम हम घर से भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते, घर पे स्पेस डेफिनेटली कर सकते हैं, और क्लाइंट अगर है तो घर पे भी आ सकता है उसको। सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो आपको सोशल मीडिया पे ही मिल जाता है। अगर मैंने आपको बताया कि आपने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं और आपने जैसे अपना जैसे चैनल है या आपने कोई इंस्टाग्राम का कोई आईडी बना के और आपने उसमें वो सब चीजें डाली तो क्लाइंट क्या है आजकल सबसे पहले क्लाइंट है ना स्टोर नहीं ढूंढता है। सबसे पहले गूगल पे जाके वॉलपेपर, फॉर एग्जांपल वॉलपेपर हमें यूज करना है तो वॉलपेपर की डिटेल्स जो है वो पूरी गूगल से वो देखने की कोशिश करता है कि फिर वहाँ क्या है क्लाइंट हम जैसे स्टोर्स की रिव्यूज देखते हैं कि किसके रिव्यूज हैं और किसकी सर्विस है, किसकी रेट है, तो वो सब चीजें, मतलब इसमें शोरूम और हमें ऐसा नहीं है कि भाई एक मार्केट में शोरूम चाहिए। राइट, कई जनों के दिमाग में ये रहता है कि आज की तारीख में जो बिजनेस है ना रिटेल बिजनेस उसे चाहिए शोरूम विच इज इन मार्केट। ओके, तो मार्केट आपको पता है अगर हम लेने जाएंगे तो भी महंगा है, रेंट पे लेंगे तो भी महंगा है। राइट, तो इस काम को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो कोई वो बड़ा इशू नहीं है। ओके, और लगभग कितना इन्वेस्टमेंट लगता है जब इनिशियल लेवल से हम इस बिजनेस को इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो बिजनेस करना चाह रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, और स्टार्टिंग बात करूँ तो 5 से 10 लाख में भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, मिनिमम इतना तो 5 से 10 लाख मिनिमम चाहिए। हाँ, क्योंकि स्टॉक रखने होते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉक रखना पड़ेगा। और बाकी हमारे प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमने 5 कैटलॉग लॉन्च किए हैं तो आपको 5 कैटलॉग के स्टॉक रखने की नीड नहीं है, आप उसके कैटलॉग्स परचेस कर सकते हैं। ओके, तो जो कैटलॉग किट्स है वो सब चीजों की अवेलेबल रहती है, वो अवेलेबल। हाँ जी, और फिर आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ओके, तो 5 लाख रुपए मिनिमम चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, और अब हम थोड़ा बात करते हैं मार्केट की। आपने एक सबसे बड़ा
एक टूल बताया है कि सोशल मीडिया इसका बहुत वो है, सेकंड आपने बताया कि माउथ पब्लिसिटी कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह देख रहे हैं उससे ही आपका मल्टीप्लाई बिजनेस, बिल्कुल आपका काम अच्छा है तो वहीं से ही मल्टीप्लाई होना है। ओके, लाइक इसमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी पर्सन तो कितना महीना वो पैसा कमा सकता है, मतलब हम बात करेंगे मार्जिन के बारे में, हमारा मार्जिन इसमें कैसे किस तरीके से। देखिए इसमें मार्जिन की बात करें तो वही मैंने आपको पहले बताया कि पैसा कितना लगाना है वो भी उसके ऊपर है, मार्जिन कितना कमाना है वो भी उसके ऊपर है। देखिए सब चीज़ें होती है कि आप कैसे डील कर रहे हैं। अब कई क्लाइंट्स अपने स्टोर कीपर्स हैं कि उनको वो चाहते हैं कि नहीं हमें तो भाई लोअर मार्जिन में काम करना है, right. तो वो कर सकते हैं। किसी को अच्छा काम करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें हर तरह का बजट में पेपर्स है। अब 300 वाले में अगर मार्जिन की बात करें तो 10-15-20%, क्योंकि जितना कम उतना कम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। आप अच्छी चीज़ बेचेंगे और क्लाइंट भी खुश रहता है अच्छी चीज़ों से। मार्जिन ये सब है उसके ऊपर जो डील कर रहा है, डील कर रहा है उस पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब अगर जो एटलीस्ट पूछे मुझसे तो 25-30% जो है वो रिकवर कर सकता है ऑन योर सेल। ओके फाइन। सो काफ़ी सारी चीज़ें हम जान चुके हैं कि किस तरीके से हम जो इंटीरियर के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और सर ने जो टिप्स दी हैं उन टिप्स के साथ में आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सर फाइनली हम आपसे पूछना चाहेंगे, लाइक हमने फेलियर के बारे में तो पहले आपसे बात की थी, बट अभी हमारी ऑडियंस वो है जो इंटीरियर में अपना फ्यूचर प्लान आउट कर रही है या उनकी प्लानिंग है तो वो हमारा इंटरव्यू वॉच कर रहे हैं, तो ऐसी क्या गलतियाँ हैं आप क्या बताना चाहेंगे उनको कि इस बिजनेस में ऐसी गलतियां वो बिल्कुल ना करें, और ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे आपको काफी हेल्प मिली है कि ये पॉइंट्स आपने किए हैं और काफी हेल्प आपको मिली है, तो ये पॉइंट्स आप अगर डिस्कस करें हमारे। देखिए इसमें मैं अगर गलती की बात करूं तो इसमें गलती एक ही चीज की हो सकती है कि आपने सर्विस नहीं दी, बाकी तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने फेलियर पॉइंट, तो मेरे हिसाब से अगर जो अपन परसेंटेज में गिने तो 0.01% है। ओके, बाकी देखिए क्या होता है कि अगर किसी को, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बोला था कि फोकस नहीं है आपके बिजनेस पे, तो फिर वो हम उसको फेलियर में काउंट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट को सेल करने के बाद अगर जो किसी क्लाइंट को अच्छे से सर्विस नहीं दी है तो फिर एक उसी गलती को, सर्विस बहुत सर्विस इज इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है इस चीज के। ओके, और प्लस पॉइंट्स क्या है कि ऐसी चीजें वो करे तो उसके लिए बेनिफिशियल। प्लस पॉइंट तो यही है कि आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि स्टार्टअप के लिए जैसे मैंने 5-7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बोला, राइट, तो 5-7 लाख में क्या होता है कि हमारे पास अभी 360 प्रोडक्ट है, राइट। अब उसमें क्या है कि एक अगर अमाउंट कम रहेगा तो एक लिमिटेड प्रोडक्ट हम उसमें डील कर पाएंगे, इसमें जितनी रेंज आपके पास होगी उतना आपके लिए प्लस रहेगा। ओके, क्योंकि आज की तारीख में क्लाइंट क्या चाहता है कि हम है ना एक स्टोर पे गए और वहाँ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया 3-4 घंटे और हमारे घर का पूरा जो भी फर्निशिंग से लेके अपना इंटीरियर तक सब चीजें आपको एक ही स्टोर पे मिल रही है, right. तो कस्टमर कहीं हिलना ही नहीं है। आपको मैं बताया कि फर्निशिंग की भी हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं, लाइक कर्टन्स हुए, मैट्रेसेस हुए, पिलोज हैं, वो सब चीज़ों में हम डील करते हैं। ओके, तो क्लाइंट को कहीं जाने का मतलब, एक तो क्या होता है क्लाइंट चाह रहा है कि नहीं हमारा तो एक ही जगह पे काम हो जाए, right. तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि मैं चाहूँगा कि स्टार्टअप करें तो सब चीज़ों के साथ, खैर स्टार्टअप है तो ठीक है स्टार्ट करें, हमने भी अपना स्टार्टअप ऐसे किया था, अपडेटेड रहते रहें और कुछ नहीं, एटलीस्ट उसके सैंपल जो सैंपल किट्स रहते हैं उसके साथ में वो अपडेटेड रहें। क्लाइंट आता है तो क्लाइंट को हमें क्या है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे स्टोर पे आए, आपने मुझसे पूछा वॉलपेपर है, आपने मुझसे पूछा ये, मैंने बोला ये है, अब आपने पूछ लिया मुझे चारकोल शीट चाहिए तो आप चुप हो गए। अच्छा, तो आपके पास एक सैंपल किट है, आपको उसकी नॉलेज है, हम अभी हमारा बजट नहीं है, हम स्टॉक नहीं रख सकते हैं, हमने सैंपल किट रख लिया, अपने पास रेट्स हैं, तो क्लाइंट को क्या है कि भले लगाना ना हो, राइट, क्लाइंट को बजट में वॉलपेपर ही आना है, ना नहीं निकले, ओके, तो वो जो ना निकलती है तो वो क्लाइंट बोलता है नहीं इसके पास तो शायद फुल रेंज नहीं है, हाँ, राइट, तो इस चीजों का ध्यान रखें, इस चीजों का ध्यान रखना, ओके, अपडेट रहना है, अपडेट रहना है क्योंकि ये इंटीरियर वर्क है, अपडेट आज इंटीरियर करवाता क्यों है आदमी अगर आप मार्केट में अपडेशन नहीं है, राइट, 2 साल पहले फॉर एग्जाम्पल हमने ये इंटीरियर किया था, अब कुछ नया आया ही नहीं है तो आप क्यों इंटीरियर करवाओगे, राइट। अब अगर जो इन चीज़ों के लिए नई चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं तो आपका माइंड होगा कि नहीं यार 2-3 साल हो चुके हैं, right. अब हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. Right. तो इसमें यही है, इंटीरियर प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है कि आप डे बाय डे, आपको पता है चाइना से हम ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं 2-4-6 महीने में नए नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, नई क्वालिटी, और वॉलपेपर में पहले थोड़ी लोअर रेंज आती थी, अब बहुत सारी वैरायटी ऐसी हो गई, कई बार ऐसे क्या क्लाइंट बोलते हैं कि वॉलपेपर
मतलब ख़राब हो जाता है सीलन से। ओके तो वॉलपेपर में मैं आपको बता दूं कि वॉलपेपर में मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं कि आप उस वॉलपेपर को पानी की टंकी में डाल के रख दीजिए तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ना है, 100% वाटरप्रूफ। तो आप वॉल पे संग सीलन वाली दीवार पे हम लगा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं जा सकते हैं हम। कई बार क्या है क्लाइंट्स के माइंड में रहता है वॉलपेपर, तो वॉलपेपर में बहुत सारी चीजें आती है, वाटरप्रूफ भी है। अगेन वही बोलूंगा कि बजट, बजट हमें किस बजट में जाना है। और अगर हम वाटरप्रूफिंग की बात करें तो किसी भी दूसरी चीज से वॉलपेपर चीप ही बैठेगा वाटरप्रूफ। अगर उसकी कॉस्टिंग की बात करें तो 50 से 60 रुपए स्क्वायर फीट में हम वाटरप्रूफिंग वाला पेपर यूज कर सकते हैं। फाइन। और इसके अलावा कहीं हम वाटरप्रूफिंग के लिए कई बार क्लाइंट यहाँ पे क्या होता है मिसगाइड करने वाले कई जने मिसगाइड नहीं करते हैं, उनके पास जो प्रोडक्ट है वो बेचने की कोशिश करते हैं। right. कि आपने ना वॉल पे सीलन है तो वो जो सीलिंग वाले पैनल्स आते हैं ना पीवीसी वाले वो आपके यहाँ पे लगा दो सीलन छुप जाएगी। right. सीलन को छुपाना थोड़ी है। right. अब वो ड्यूरेबल भी तो होने चाहिए वहाँ। डेफिनेटली वो ड्यूरेबल नहीं रहते हैं। वॉल की चीज अपना सीलिंग की चीज अगर आप वॉल पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो कहाँ से ड्यूरेबल रहेगी, क्योंकि सीलिंग पे कभी भी हम कोई आदमी टच भी नहीं कर पाता किस उस चीज को, तो वो इतने ड्यूरेबल नहीं रहते हैं। हाँ सीलिंग के लिए परफेक्ट है। तो वही चीज हमने अगर जो वॉल पे लगा दी तो डजन मेक एनी सेंस। तो वही चीजें हैं कि क्लाइंट्स थोड़ी देर पहले मेरा सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो क्लाइंट आया नहीं हमें तो वॉलपेपर चाहिए बट सीलन वाली वॉल पे ही लगाना है तो सर ये लीजिए। राइट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी राइट प्रोडक्ट नीड के अकॉर्डिंग। ओके फाइन। सो ऑलमोस्ट हमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से हम इंटीरियर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही मैं जो इंटीरियर का बिजनेस या प्रोडक्ट्स में डील करना चाहता है उन लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ देखने के लिए मेरा चैनल जस्ट स्टार्टअप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।